यम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में कुतवाली क्षेत्र गांव कांवरा में गौशाला का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय विधायक बिमला सोलंकी और चेयरपर्सन पप्पू परवीन ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद तहसीलदार और नगर के सभासदों ने विधायक और चेयरपर्सन का स्वागत किया। जैसा विधायक बिमला सोलंकी ने बताया, करीब 3 महीनों में तैयार हो जाएगी गौशाला। 300 गायों के रहने की होगी क्षमता। चारे की व्यवस्था करेगी सिकंदराबाद नगरपालिका। क्या इस गौशाला के पूरे हो जाने के बाद सड़कों और खेतों में नजर आने बंद हो जाएंगे गौवंश? बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में गांव कांवरा में एक यहां पर गौशाला का भी उद्घाटन किया है। और यहां का उद्घाटन जो किया है क्षेत्रीय विधायक विमला सोलंकी जी द्वारा हुआ है। उनसे हमारे नजदीक है, उनसे बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के बारे में। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो एक सपना है कि गौशाला, जो आवारा गौएं हैं उनके लिए गौशालाएं बनवाई जाए और उनको उनको पोषित किया जाए। जैसा कि शिकायत है कि वो जगह जगह गाय घूम रही हैं, तो उनको एक जगह रख कर के उनके पालने की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो कटान है गौओं का वो रुक सके। तो इस गौशाला का कब तक अंदाजा है पूर्ण हो जाने का? ये गौशाला जल्दी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इसका पैसा आवंटित हो चुका है और मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर इन्होंने जो टाइम बाउंड दिया उसके अंदर हो जाएगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या क्वांटिटी रहेगी गायों की, कितने गायें इसमें पोषित हो पाएंगे? करीब 300 गायें यहाँ पर रहेंगी और तो इसमें 300 गायों का जो चारे का और बाकी व्यवस्था जो है वो प्रशासन द्वारा की जाएगी या नगर पालिका के द्वारा ये बनवाई जा रही है। आदरणीय नगर पालिका के अध्यक्ष जी भी बब्बू जी हमारे साथ हैं, तो ये नगर पालिका के द्वारा ही ये सारी व्यवस्था, उनके चारे की भी व्यवस्था की जाएगी, ये नगर पालिका के द्वारा ये बनवाई भी जा रही है। मैं जानना चाहूंगा, आप स्थानीय 2 बार विधायक यहाँ पर रह चुकी हैं, और लेकिन इस बात को कहने में कोई भी आम आदमी भी जानता है कि आप मोदी जी के नाम पर यहाँ पर विधायक बनी है, क्या जनता की नाखुशी है? क्या ऐसा प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है जो वर्तमान में आप कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं और आगे प्रस्तावित हैं? मैं 2012 में भी विधायक बनी हूँ और वहाँ तब मेरे ख्याल से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं था, और 2017 में भी बनी हूँ। ये क्योंकि काम बोलता है, काम के आधार पे मेरा, चाहे वो नगर में काम हो चाहे वो गांव में काम हो, सब में मैंने पूरे विकास के काम करवाए और इसी आधार पर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय योगी जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर विधायक बनी। कुछ प्रस्तावित काम भी होंगे जो आपके विभाग में होंगे जो यहाँ पर होने हैं? हाँ, ये तो क्योंकि विकास की एक प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, विकास के लिए कुछ ना कुछ काम होते रहने चाहिए, तो हमने कोशिश की है। पहले तो नगर में कोई एक कोई पार्क तक नहीं था, मैंने अपने उसमें कार्यकाल में पार्कों की व्यवस्था करवाई है और अब नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर गौशाला का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि जो नगर में और क्षेत्र में जो गौएं इधर उधर घूमती हैं उनको एक जगह रखा जा सके, उनके पालन पोषण की भी व्यवस्था की जा सके और सड़कों का जाल बिछाया है और कोशिश है कि हम नगर के लिए और भी जो भी काम करवा सके वो भी करवाएंगे। जैसा कि विधायक जी ने बताया कि कुछ कार्य हमारे शेष हैं, कुछ अभी प्रस्तावित हैं जिसमें एक गौशाला का निर्माण भी है। कैमरा पर्सन अमजद राणा के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, ज्ञान न्यूज सिकंदराबाद। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे ज्ञान न्यूज के साथ।